आर्द्र मानसूनी वन। ये वन 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनमें पेड़ ऊंचे होते हैं, कुछ बड़े और सदाबहार पेड़ होते हैं। इनके नीचे झाड़ियाँ व लताएँ भी होती हैं। ये वन मुख्यतः छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, ओडिशा आदि राज्यों में पाए जाते हैं। यहाँ के प्रमुख वृक्ष साल, सागौन, शीशम, आंवला, नीम, आम व चंदन हैं। इनके अलावा खैर, कोसम, अर्जुन आदि वृक्ष भी होते हैं। आर्द्र मानसूनी वन सदाबहार वनों की तुलना में अधिक सघन नहीं होते हैं और पेड़ों की ऊंचाई भी अपेक्षाकृत कम होती है। शुष्क मानसूनी वन। शुष्क सूखे मानसूनी वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा की मात्रा कम अर्थात 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। इनमें अधिकांश पेड़ों के पत्ते गर्मी में झड़ जाते हैं। ये वन कम घने होते हैं और इनमें पेड़ों के नीचे झाड़ियां कम होती हैं, जिस कारण यहां जमीन पर घास उगाती है। ये वन पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के अधिकांश क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ के प्रमुख वृक्ष सागौन, तेंदू, पलाश, खैर, महुआ तथा शीशम हैं। इन क्षेत्रों के बहुत बड़े भाग के जंगलों को कृषि कार्य हेतु साफ कर दिया गया है। तीसरा, कांटेदार झाड़ी वाले वन। जिन भागों में वर्षा की मात्रा 70 सेंटीमीटर से कम होती है, वहाँ कांटेदार झाड़ियाँ और पेड़ जैसे बबूल, बेर, खैर आदि वृक्ष पाए जाते हैं। ये वन सघन नहीं होते, पेड़ दूर दूर होते हैं जिनके बीच में घास और कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं। ऐसे वन राजस्थान, हरियाणा, गुजरात के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वर्षा की कमी के कारण इन वनों में कांटेदार झाड़ियाँ और कंटीले वृक्ष ही उगते हैं। वृक्ष छोटे और कम मोटाई के तने वाले होते हैं।